बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम ग्राफिक्स। स्टूडेंट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आज हमारी पहली क्लास है और जो सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो है फ़ोटोशॉप। और इस वक्त हम फ़ोटोशॉप के इंटरफेस में मौजूद हैं, तो मैं आपको सबसे पहले इसके इंटरफेस के बारे में पढ़ाऊँगा। तो इसके इंटरफेस में जैसे ये हमारी विंडो का कलर है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और इसमें कितने कलर हम चेंज कर सकते हैं। हम सबसे पहले गए एडिट मेन्यू में, बिल्कुल नीचे इसके है प्रीफ्रेंस, प्रीफ्रेंस में जाके ऊपर है जी इंटरफेस। जैसे ही हम इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो अपेयर हो जाएगी जिसमें चार किस्म के ये डिफरेंट आपको कलर मिलेंगे। जैसे हमने ब्लैक पे किया तो बिल्कुल ब्लैक हो गया, ये वही जो हम थोड़ी देर पहले यूज़ कर रहे थे अपना, आई थिंक डार्क ग्रे, ये लाइट ग्रे और ये बिल्कुल वाइट। अच्छा, मैं यही यूज़ करता हूँ, मैं ही यूज़ करूँगा। ओके किया तो आपके पास आप जो मर्ज़ी कलर यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके साथ बिल्कुल भी लेफ्ट साइड पे हमें कुछ टूल बार मिलते हैं, ये हमारे टूल जो हम गाय बाय गाय यूज़ करेंगे। जैसे एक टूल किट होती है, ये हमारी टूल किट है। तो इसमें ये है कि एक जो साथ ये वाला बटन आपको मिल रहा है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक वन रो में आ जाएंगे, यानी कि बिल्कुल नीचे इसके सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर इसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको डबल कॉलम में मिल जाएंगे, साथ साथ आपको ये टूल्स मिल जाएंगे। उसके बाद राइट साइड पर आएँ तो राइट साइड पर आपको मिलेंगे जी पैनल, ये मुख्तलिफ़ किस्म के पैनल हैं जिन पर हम बाद में गाय बगाए काम करते जाएँगे। अच्छा, एक और ऐसे काम, जैसे ही हम ये सारी चीज़ें, हमारे पास कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं या गायब हो जाती हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ये भी डिलीट हो गई तो हमें इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इस पे विंडो पे जाएंगे। विंडो पे बिल्कुल नीचे हमारी है जी वर्क स्पेस, जैसे ही हम वर्क स्पेस पर जाएँगे तो अच्छा, ये हम जो है सेंट्रल बाई डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं, ये मैं फ़िलहाल यही यूज़ कर रहा हूँ, इसे ही हम यूज़ करेंगे। तो इसके बिल्कुल नीचे जैसे आएंगे आप तो आपको रीसेट सेंट्रल्स मिलेगा, तो रीसेट सेंट्रल में जा कर आप क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो वैसे हो जाएगी जैसे आपने पहले देखी और बिल्कुल आपके सारे टूल आपको अपेयर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ऐसे है कि एक और चीज़ कि ये जो हमारे पैनल्स हैं हम इनको भी मूव कर सकते हैं, हम अपने वर्क एरिया में ले आ सकते हैं। जैसे मैं इसको लेके आ गया और इसे पकड़ के इसको भी मैं इधर लेके आ गया, तो आप अपने वर्क एरिए के पास इसे रख सकते हैं जो जैसे जैसे हमने पैनल्स यूज़ करने होते हैं। अब एक और काम के ये अगर पैनल इसको मैंने पकड़ा पैनल को, अगर मैं इसको बिल्कुल इसके साथ ले जाऊं और जैसे ही ब्लू बार आ जाए, ब्लू बार आपको शो हो, तो आप अगर माउस को रिलीज करें तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और आप इन दोनों को इधर उधर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इनको वापस ले जाना है जैसे हमने पहले रीसेट किया था, तो हम पहले उस पर विंडो पे गए थे और वर्क स्पेस में जाके हमने रीसेट सेंट्रल किया था। अब उसी की एक शॉर्टकट, मतलब कि हम अगर इसी इस साथ वाले बटन, ये वाला जो बटन है इस पर चले जाएं, तो यही काम जो हमने वहाँ विंडो पे जाके किया था विंडो के मेन्यू बार में, वही हम बिल्कुल नीचे रीसेट, ये देखें हमने रिसेट सेंट्रल कर दिया तो हमारी बिल्कुल सेम वैसे ही विंडो आ गई। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट काम जो है, हमने एक न्यू फाइल लेनी है, न्यू विंडो लेनी है, न्यू प्रीसेट्स लेने, तो हमने किस तरह न्यू लेना है। हम सबसे पहले जाएंगे फाइल में, फाइल के बाद हमारे पास आ गई जी न्यू, ये न्यू साथ इसमें कंट्रोल एन है इसका शॉर्टकट, अगर आप कंट्रोल एन करें तो फिर भी न्यू आपके प्रीसेट्स आ जाएगा, न्यू विंडो आ जाएगी। न्यू पे क्लिक करें तो आपके पास एक न्यू विंडो खुल के आएगी, उसमें देखें ये सबसे पहले आपके पास रीसेट्स ये जो मैंने यूज़ किए हैं अभी, और उसके बाद आ जाएंगे सेव्ड, सेव्ड में मैं अभी चलो आगे आपको बताता हूँ सेव्ड किस तरह करते हैं, मेरे पास कोई सेव्ड में प्रीसेट्स नहीं है। फिर आएंगे फ़ोटो में, फ़ोटो के मुख्तलिफ जो प्रीसेट्स होंगे प्रिंट के जैसे लेटर, लीगल, A6 A5, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के प्रीसेट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको वेब के प्रीसेट्स मिलेंगे, वेब के मुख्तलिफ किस्म के, फिर आपको मोबाइल के मिलेंगे प्रीसेट्स, मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस मोबाइल के प्रीसेट्स,
और उसके बाद जी फिल्म एंड वीडियो, इसके आपको मुख्तलिफ किस्म के आपको प्रीसेट्स मिलेंगे। साथ में आपके आ जाएगा जी प्रीसेट्स डिटेल। प्रीसेट डिटेल में ऐसा है कि आपने जो भी काम करना है, लाजमी बात है उसकी आपने डिटेल देनी है। आपके जो भी अब यानी कि काम करेंगे, ऐसे समझें कि आप ऐसे बना रहे हैं कि एक बिज़नेस कार्ड बना रहे हैं, तो लाजमी बात बिजनेस कार्ड का आप पहले उसका नाम देंगे, यहाँ पे कोई ना कोई उसका टाइटल देंगे, तभी जाके आप उसको उस पर काम करेंगे। अच्छा जी, इसके नीचे हमारे कुछ ये हमें यूनिट्स मिलेंगे, ये यूनिट्स पे इस पर क्लिक करें के तो मुख्तलिफ किस्म के हमें यूनिट्स मिलेंगे। और इसके साथ है हमारे विथ और हाइट, नीचे ओरिएंटेशन, आर्ट बोर्ड। अच्छा, विथ और हाइट में ऐसे अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा है उन्हें थोड़ी सी ऐसे आई थिंक परेशानी सी होती है कि फ़ोटोशॉप में विथ क्या है, हाइट क्या है, वो किस तरह हम पैमाइश करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास सामने विंडो ओपन है, तो विथ इसकी जो है हम इनके इसकी चौड़ाई ले लें, तो ये है जी चौड़ाई इसकी, यहाँ से हम लेफ़्ट से ले कर राइट तक, या राइट से लेकर लेफ़्ट तक, ये हमारी विथ है, ये हमारी चौड़ाई समझ लें, ये हमारी चौड़ाई है। और इसी तरह जो हमारी हाइट है, ये लेंथ है, वो है जी टॉप से बॉटम, ये हमारी लेंथ होगी, या बॉटम से टॉप, ये हमारी लेंथ में काउंट की जाएगी। और इसी तरह जी ओरिएंटेशन में ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में है, जैसा ये जो सबसे पहले ये हमारे पे क्लिक है, ये है जी लैंडस्केप में, जिस तरह मोबाइल के एक हम लैंडस्केप के लेते हैं सेल्फी टाइप, तो इसी तरह जैसे मैंने ऊपर विथ इसकी 1000 है, यानी कि इसकी विथ जो चौड़ाई आपने ऐसे देखी है ये वाली, तो ये चौड़ाई देखें, इस पर चौड़ाई ज़्यादा होती है इसलिए देखें 1000, हाइट इसकी जो है वो 500। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी विथ जो है ये वाली 500 हो जाएगी, और हाइट जो है वो 1000 इसकी हाइट जाती है। तो आर्ट बोर्ड अच्छा ये है कि कुछ लोगों में ये होता है कि जो ये सामने हम इसी पे शायद इसी पे क्रिएट करके और अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, तो आप जो मर्ज़ी इसमें आपको जो ऑर्डर मिलेगा या जो आपको जिस वर्क का आप करना चाहते हैं, तो उसमें जो साइज़ आपको चाहिए होता वो आप वही करेंगे। आप 100x100 भी कर सकते हैं, 50x50 भी कर सकते हैं, ये तो आपके वर्क पे है, आप इस तरह के काम कर सकते हैं, 50x50 भी कर सकते हैं, 100x100 भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास नीचे आ गए रेजोल्यूशन पिक्सल्स पर इंच। ये रेजोल्यूशन जो होते हैं ये 72 पिक्सल्स पर इंच में होते हैं, ये जो हमारी पिक्सल्स पर इंच में 72 रेजोल्यूशन होती हैं। उससे नीचे आ गया जी कलर मोड। कलर मोड हमें डिफरेंट मिलते हैं, बिट मैप, ग्रे स्केल। अच्छा, इनमें इनको फ़िलहाल हम RGB कलर पे ही रहने देते हैं। उसके साथ आ गया हमारे 8 बिट्स के नीचे और भी हैं बिट्स, लेकिन हम इसे 8 बिट पे, ऐसे 8 बिट ऐसे होता है कि हम जो हमारी विंडोज़ के मुख्तलिफ किस्म के ब्राउज़र होते हैं, तो ब्राउज़र हमारे जो में इमेज शो कर होते हैं, या डिवाइसेस ऐसे फ़ोन्स की जो इमेज शो हो रहे होते हैं, वो हमें 8 बिट पे ही शो हो रहे होते हैं, वो 8 बिट पे होते हैं। उससे नीचे आ गया जी बैकग्राउंड कंटेंट, बैकग्राउंड कलर, ये कस्टम पे है, ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं, ये कस्टम पे ही रहने दें, कस्टम वाइट है फ़िलहाल। उसके बाद जी नीचे आ गया जी एडवांस, तो ये एडवांस है, इसे एडवांस में ही रहने दें क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारा काम रह गया था जी सेव्ड वाला, कि हमने सेव किस तरह कर सकते हैं अपने एक प्रीसेट्स को, अपने किसी नाम से कोई हम अगर अपना नाम देके प्रीसेट्स अपने सेव्ड में रखना चाहते हैं, तो इस बटन पे गए हम, वहाँ पे जैसे ही हम ऊपर इधर आए तो उन्होंने नाम का पूछा, हम यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया आर एम के देने के बाद यहाँ सेव प्रीसेट्स पे करें, तो देखें आपके पास सेव्ड में ये RM के नाम से, आपकी याद दहानी के लिए होता है कि याददाश्त के लिए कि आपने कोई प्रीसेट सेव कर लिया होता है, आपको पता नहीं होता, बाद में याद नहीं रहता। जैसे आपने कोई वेब बैनर बनाना है तो उसके बैनर का आप यहाँ लिख दें जी बैनर का, बैनर नाम दे के आप उसे सेव में ले देते हैं, या आपने कोई ऐसा बनाया कि बाद में आपको याद नहीं रहता तो आप उसको सेव देते हैं, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर दें, नो इशू।
अच्छा जी, उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। रिसेंट में मेरे पास 1000x500 का एक रिसर्च मौजूद है, इसी को हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हम क्रिएट कर देंगे। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक कैनवास या वर्क एरिया ओपन हो जाएगा। हमने इसी पे अब काम करना है। ये हमारा एक वर्क एरिया है। इसका अच्छा इसमें ये है कि सॉरी हमें देखें इस पे हमें अनटाइटल, क्योंकि हमने उस पे नाम कोई नहीं दिया था, और एट द रेट ऑफ 100%, ये 100% हमारा जो है जूम एरिया, हम इसे 100% पे ही देख रहे हैं। उसके बाद ये RGB, जैसे आपने RGB हमने कलर यूज़ किए थे न्यू और 8 पिक्सल। अब ऐसे जब मैं इसे कंट्रोल प्लस करता हूँ तो ये देखें कि अब उसको 200% पे आ गया, और इसे कंट्रोल और माइनस, जो साथ आपके प्लस के साथ माइनस का बटन होता है उसे प्लस करें तो ये जूम आउट हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी मूव टूल के बारे में। मूव टूल है क्या, इसका पर्पज़ क्या? तो मूव टूल के लिए जैसे हम हमारे पास कोई ये वर्क एरिया है, तो इसमें हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे तो काम नहीं करना। हमारे पास एक जैसे समझें कि ये हमारे पास एक बैनर है, तो बैनर में डिफरेंट चीज़ें होंगी जिनको हमें मूव करना पड़ेगा। जैसे हम उस पर हमारी आ गए टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट वर्डिंग, और साथ में हमारे पास इमेजेस आ गए, आइकन आ गए, सबको कभी ना कभी हमें उठा के जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमें दाएं से बाएं ऊपर से नीचे चीज़ों को मूव करना पड़ता है। उसके लिए हमें मूव टूल ही यूज़ करना पड़ता है। तो मूव टूल के लिए जी सबसे बेहतर है कि मैं आपको एक अच्छा एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे चलते हैं कि ऐसे समझें कि ये हम जिस जो हम जो हमारे पास वर्क एरिया है, ये हमारी एक दीवार है। तो दीवार पे अगर मैं कोई ऐसे ही पकड़ के अपना बुश टूल के साथ, ये बुश टूल में आपको पढ़ा नहीं रहा, वैसे मैं एक काम के लिए इसे यूज़ करें, हम पढ़ सिर्फ मूव टूल ही रहे हैं। तो अच्छा, मैंने दीवार पे ऐसे कोई ऐसे गोल दायरा सा बना दिया, दीवार के ऊपर पेंट बुश के साथ पेंट कर दिया किसी चीज़ के साथ, ऐसे समझें कि मैंने एक घड़ी सी बना दी। अच्छा, तो अब इसको ऐसे है कि मैंने बिल्कुल इसके जो हमारे पास दीवार थी उसी के ऊपर सब कुछ कर दिया, ऐसे समझे गुचे मार दिए। अब के ऐसे है कि अब मूव टूल के साथ हम इसे कहता नहीं मूव कर सकते, बिल्कुल नहीं मूव कर सकते। हमारा दिल अगर चाहे कि हम इसे लेफ़्ट से राइट ले जाएं तो लेफ़्ट से राइट हम नहीं ले जा सकते। अच्छा, उसकी क्या वजह, एक हमारे पास एक उसके विंडो आ गई, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये हम इसलिए मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसे दीवार पर लगा दिया, दीवार पर हमने पकड़ के पेंट कर दिया बुट से, तो ये अब मूव ही नहीं कर सकती। तो इसका सबसे, अगर हमारा दिल करे जी हमें इसे मूव करना चाहिए था, ये तो हमारी बड़ी प्यारी आर्ट बन गई, तो सबसे प्यारा तरीका, सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम इस दीवार पे एक ऐसे मिसाल के तौर पे हम दीवार पे एक तहब लगा देंगे, मतलब लेयर, क्योंकि हम अब आगे लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम दीवार पे एक शीट लगा देंगे, मतलब एक ऐसे समझें कि शीट मिट वॉलपेपर लगा देंगे। वॉलपेपर लगाया तो उसी वॉलपेपर, सफ़ेद वॉलपेपर है हमारा, तो उसी के ऊपर हमने ये दायरा से लगा दिया, पेंट से लगा दिया। तो अब शीट को जो छोटी सी हम टेपों से हमने वो शीट लगाई है, तो उस शीट को तो हम उतार के दाएं बाएं सज्जे खब्बे इधर उधर कर सकते हैं, तो उसको तो हम मूव कर सकते हैं क्योंकि, लेकिन अगर हमने दीवार पे ही लगा दिया तो उसे हम मूव नहीं कर सकते। तो उसका सबसे बेहतर, सबसे प्यारा तरीका क्या है, ये सबसे इस बार में आप जाएंगे नीचे जो प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ से आप एक न्यू लेयर लेंगे। ठीक हो गया, न्यू लेयर लेके इसमें चलो आपको जो है इसको डिलीट करते हैं, इसको डबल क्लिक किया, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद जी हमने एक नई लेयर ली। नई लेयर पे अगर मैं, नई लेयर मीन के हमने एक शीट ले ली, ठीक है, उसके लेयर का नाम लेयर 1 आ गया। अब अगर इस पे मैंने वो ही
दायरा लगा दिया क्या? अच्छा, अब देखें लेयर हमें शो नहीं हो रही, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारी एक्टिव है ये, हमारी लेयर ये एक्टिव है। इस तह पे अब मैंने ऐसे पकड़ के वही दायरा लगा दिया या अपनी घड़ी बना दी। अब मूव टूल के साथ गया, इसे आप जिधर मर्जी घुमाएं क्योंकि हमारी लेयर नीचे है, तो इसको हम इसी पे, अब हमारी वो असल में लेयर हमें जो है वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन हमारी लेयर है एक्टिव। हम यूज़ उस पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम जैसे जैसे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट लगाते जाएंगे तो साथ साथ हम अपने लेयर ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह आपको बताता हूँ कि अच्छा, अब हमने इसके साथ कोई और चीज़ लगानी है। मैंने पकड़ा यहाँ से, मैंने जी ले लिया एक जी दीवार पे, क्या लिया जी, एक हमने आईना बना दिया, ग्लासेस ले लिए। अच्छा, उस पर हम अक्सर रंग कोई चेंज करते हैं ताकि आपको सही तरह मालूम हो सके, रेड लिया। उसके बाद पकड़ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया और इसको डी सेलेक्ट करने के लिए जो हमने सिलेक्शन की हुई है, कंट्रोल अगर डी करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा, ये आगे जाके हम तफसीलन पढ़ेंगे। ठीक हो गया, अब क्या हुआ, अब मूव, ओ अब हमारे दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं, हमें तो कोई फ़ायदा ना हुआ। तो इसमें हमने क्या गलती की है, हमने लेयर नहीं ली, नई लेयर हमने नहीं, हमने उसी लेयर वन पे ही इसको भी बना दिया। ये हमारी पहली गलती। उसके लिए हमें जो इसको मूव करना है तो इसके लिए हमें नई लेयर लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया, हम अगर लेयर लेते हैं दोबारा, जैसे ही मैंने दोबारा लेयर पे क्लिक किया तो सॉरी, ये लेयर टू आ गई। ठीक है, अच्छा लेयर टू में अब हमारे पास एक्टिव लेयर टू है, तो इस पे अगर मैं अब आईना बनाता हूँ, ये मैंने आईना किया लगाया और इस पे कलर फिल किया, कंट्रोल डी करते हैं इसे, अब मूव टूल पे जाते हैं जी। अब क्या होगा जी, हमारे पास सिलेक्ट ये ही है, हमने अगर इसको सेंटर से उठा के ले जाना जी, राइट पे ले गए, अगर इसको उठा के ले जाना है जी इसके साथ ही, तो इसको भी हम मूव कर सकते हैं। दोनों आर्टिकल को, दोनों ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग मूव कर सकते हैं। तो इसका लेयर का ये फ़ायदा हुआ कि हमने जैसे जैसे लेयर लगाते गए तो हमारे ऑब्जेक्ट भी मूव करने की सकत में आ गए। अच्छा, उसके बाद अगर हम किसी लेयर को डिलीट करना चाहते हैं, अगर हम नहीं उसे रखना चाहते अपने वर्क एरिया में, तो हम उसे उस लेयर पर जाएंगे, उसको पकड़ के ये हमारे नीचे जो बास्केट पड़ी है पकड़ के इसमें फेंक देंगे, तो वो क्या, तो ये भी, इसको भी हम ऐसे ही पकड़ के डिलीट कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास है जी जो दूसरा टूल हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो है जी मार्की टूल्स। मार्की टूल्स में हमारे पास आगे हम यूज़ करते हैं जी सबसे पहले रेक्टेंगुलर। अच्छा, हमने जैसे ही इसको रेक्टेंगुलर ऐसे स्पेस सिलेक्शन दी, तो हमारे पास जो वर्क एरिया में यही चीज़ हमारे पास कॉमन रह गई, यानी कि ये सिलेक्ट हो गई, हम अब जो काम करेंगे इसी में करेंगे, हमारे बाहर वाला जो एरिया है वो सिलेक्ट नहीं है, ये अंदर वाला जो एरिया है वो हमारे पास सिलेक्ट है। ठीक है, मैंने बुश टूल लिया, बुश टूल से अब मैंने अगर यहाँ से पकड़ रहा हूँ तो लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे कलर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। अब जैसे ही अंदर आऊँगा तो वो कलर इसमें आ जाएगा, जैसे ऐसे बाहर जाऊँगा तो वो लाजमी बात है कि वो, क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं है, वहाँ कलर हमारा नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद अगर देखें कि हमारा ये जो कर्सर है, जो हमारा पुश है, तो हाफ है, अगर हम इस पे फेरेंगे तो फिर भी देखें आधा इधर आ रहा है, आधा ही कलर हो रहा है, उस साइड पे कलर हमारा नहीं आ रहा, क्योंकि वो हमारा एरिया सिलेक्ट नहीं है, ये हमारा एरिया सिलेक्टेड है और इसी पे ही हम काम कर सकते हैं, जो भी अगर हम कलर करना चाहें। ठीक हो गया, इसको अच्छा कंट्रोल जी से हम इसको अंडू कर सकते हैं, ये मैं कंट्रोल जेड से इसे अंडो कर रहा हूँ। और एक और चीज़ आपको बताऊँ कि अगर इसको पूरे को हमने फिल करना है तो उसके दो तरीके हैं, दो तरीके मेन, कि एक तो हमने ये
पेंट बकेट टूल लिया, इसी से पेंट को पकड़ के यहीं पे कर दिया तो ये पेंट सारा हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या हुआ, अच्छा मैं कंट्रोल सी करता हूँ, अच्छा दूसरा तरीका ये हो गया कि हमारा ये कलर है, ये डिफ़ॉल्ट ब्लैक एंड वाइट होते हैं, तो ये जो कलर है हमारा ऊपर वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे ऊपर माउस जाएगा तो उस पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है। तो अगर हमने इसको ऐसे ही शॉर्ट कीज के थ्रू अगर हमने फिल करना है, तो देखिए मैं आर्ट, याद रखिएगा इसे, ये शॉर्टकट होते हैं इन्हें, या तो आप नोट पैड पर लिख लिया करें जैसे आपको अच्छा लगे। मैं आर्ट और बैक स्पेस को जैसे ही दोनों को प्रेस करूँगा तो देखें ये आपके पास फोरग्राउंड फिल हो गया। ये इसका फोरग्राउंड करने फिल करने का एक शॉर्टकट हो गया। और उसके बाद मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसका अगर कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि वाइट वाइट है को ब्लू लिया, ब्लू लेने से अगर मैं इसको कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो इसमें कौन सा कलर आ जाएगा, ये अपना बैकग्राउंड कलर, इसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो आ जाएगा ब्लू वाला, ठीक हो गया। अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी, अच्छा जो सिलेक्शन है, अब इस सिलेक्शन को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म करने के लिए कंट्रोल जी भी है, लेकिन एक और चीज़ के इसको अगर हमने इसको डिसलेक्ट करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिसलेक्ट आ रहा है, डिसलेक्ट करने से भी हो जाएगा। और एक और तरीका इसकी शॉर्ट की कंट्रोल डी, डी से आपका ये डिसलेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जी हम जाते हैं जी, इसमें आपको मुख्तलिफ ये बटन्स हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये बटन क्या क्या करते हैं। जैसे मैंने इसको ऐसे लिया, ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें सिंपल ऐसे बनते जाएंगे साथ में, सिंपल ये सिंपल बनते जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, देखें ये भी इस बटन पे अगर आप क्लिक करें तो इस पर लिखा हुआ भी आ जाएगा ऐड टू सिलेक्शन, इस सिलेक्शन के अंदर ही हम एक और सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे वो सिलेक्शन इसके अंदर ऐड होती जाएगी, ये देखें इसके साथ साथ ही हमारे सिलेक्शन ऐड होते जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा बटन है वो क्या है, इस पर जैसे आप जाएंगे सब्ट्रैक्शन का, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो वो इस पर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस होती जाएगी, ये देखें उसमें से कट होती जाएगी, ये सिलेक्शन कट होती जा रही है। उसके बाद जो है आखिरी जो है उसमें है जो आपका कॉमन यानी कि जो है इंटरसेक्ट सिलेक्शन, जो कॉमन एरिया है जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वही रह जाएगा, बाकी ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने इसको किया यही मेरे पास रह गया, बाकी सारा डिलीट हो गया। ये जैसे आप सिलेक्शन करते जाएंगे, जैसे जैसे आप काम करेंगे तो ये आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ें लेंगी, आप काम कर सकते हैं इनके। और इसमें शॉर्ट कीज़ भी हैं, अगर आप शॉर्ट कीज़ का यूज़ करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट कीज़ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लिया और अगर मैं शिफ्ट करके करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो साथ ही उस वो बटन भी हाईलाइट हो गया। मैं ऐसे पकड़ के इसे शिफ्ट से आगे जा रहा हूँ तो वो ऐड होती जा रही है, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर मैं आल्ट प्रेस करता हूँ तो देखें वो और आगे बटन आ गया, किस पे, सब्ट्रैक्शन पे, ये ऐसे सब्ट्रैक्ट होती जा रही है, सब्ट्रैक्ट। अच्छा ये काम को जो शॉर्ट कीज़ होती हैं ये काम को फास्ट करने के लिए होती हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, किसी को माउस अच्छा लगता है, किसी को शॉर्ट कीज़ अच्छी लगती हैं। अच्छा अब जो है हमारा आखिरी, उसके लिए हम अगर दोनों शिफ्ट और आल्ट को दोनों को इकट्ठे प्रेस करेंगे और माउस को वहीं पे आकर ड्रैग करेंगे जो चीज़ हमें चाहिए, तो वो देखें जी हमारा वही एरिया रह जाएगा, बाकी ख़त्म डिसलेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्टाइल है, स्टाइल हम चेक करते हैं, कंट्रोल डी। अच्छा ये नॉर्मल है, जैसे देखें हम नॉर्मल पे आए तो ये हमारे पे नॉर्मल, जैसे जब हमें आज़ादी से इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं माउस को तो ये नॉर्मल ही आ रहा है।
उसके बाद अगर हम जाते हैं इसके स्टाइल में फिक्स रेशियो में, फिक्स में क्या होगा कि वो वेट और हाइट एक ही दे रहा है, उसे वो ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ तो वो नहीं मूव कर रहा, नीचे भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो फिक्स्ड, उसकी वेट और हाइट फिक्स, वेट वन और हाइट फिक्स है। इसमें फिक्स में आप चेंज कर सकते हैं, चाहे इसमें 10x10 कर दें ये, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट है 1x1, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम चलते हैं जी फिक्स साइज़। ये फिक्स साइज़, ये फिक्स साइज़ है, ये इसमें मूव नहीं सकता, ये बिल्कुल फिक्स है। ये बाई डिफ़ॉल्ट देखें 64 PXL पे है, 64x64। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जी फैदर। तो हमने फैदर किस तरह यूज़ करना, उससे पहले हम जाएंगे जी एलिप्टिकल मार्क कीप को, उस पर ये हमने एलिप्टिकल मार्क लिया, इसको मैंने आर्ट बैक स्पेस से इसका फोरग्राउंड जो है वो फिल किया, कंट्रोल डी से इसको डिसलेक्ट किया ताकि आपको इसकी शार्पनेस नज़र आए। देखिए ये बिल्कुल शार्प शार्प का एक एलिप्टिकल टूल आया है। तो अब दूसरा एक और हम बनाते हैं जिसमें हम अब फैदर देंगे। मैंने इस पे फैदर जी यहाँ पे फैदर दिया 550 पिक्सल का। हम एक और मार्की बनाते हैं, सॉरी एलिप्टिकल, ये हमारे पास इसका आप जो पिक्स जो फैदर आएगा वो 50 पिक्सल्स का आएगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल बैक स्पेस किया तो देखें ब्लू कलर में इसमें अपना इंतहाई 50 पिक्सल का फैदर आ गया, इन फैला फैला हुआ कलर आ रहा है, इसमें फैदर आ रहा है। जैसे रेड है वो बिल्कुल शार्प शार्प है। तो इसमें एक बात यह है कि अगर हम, क्योंकि हम अगर ज़्यादा करना चाहते हैं कुछ ज़्यादा एक और इस तरह का राउंड बनाना चाहते हैं इस तरह के ज़्यादा 1, 2, 3, तो सब में फिर जिस तरह फिक्स है तो 50-50 आता जाएगा पिक्सल्स के फैदर। हम चाहते हैं कि एक पे 50 हो, दूसरे पे 40-30। तो उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि हम इसको, क्योंकि यहाँ तो ये फिक्स रहेगा, जैसे ही हम नेक्स्ट बनाएंगे वो इतना ही आएगा, इसको हम ज़ीरो पे ही रहने देते हैं, ये हमारा ज़ीरो पे रहेगा। उसके बाद हम जो नया जो राउंड्स बनाएंगे, जैसे ये किया, तो उसमें हम ऐसे करेंगे कि इस पे जाके इसे राउंड के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नए बार खुलेगी, तो उसमें जो है नीचे आएगा फैदर। जैसे हम फैदर पे क्लिक करेंगे तो देखें इसका कोई बाई डिफ़ॉल्ट मेरे पास 100 का है, हम इस पे अब आप 100 दें। जैसे ही जितनी आप पिक्सल्स सॉरी चेंज करना चाहते हैं इसके फैदर, आप उतना फैदर यूज़ कर सकते हैं। ओके किया, उसके तक बिल्कुल छोटा सा हो गया क्योंकि 100 बहुत ज़्यादा था। मैंने इस पे किया जी आर्ट बैकग्राउंड, तो देखें आर्ट बैकग्राउंड से वो इंतहाई 100 का पिक्सल्स फैल गया, रंग सारा उसका अपने हमारी बैकग्राउंड पे फैल गया। इसी तरह अगर हम कोई एक और बनाते हैं उसके 100 के बजाय हम चेंज कर देंगे और, अच्छा इस पे ये किया और इस पे हम गए जी राइट क्लिक किया, फैदर पे गए, फैदर पे जाके हमने यहाँ कर दिया जी 40 का हमने ओके किया। और हम इस पे जी कलर को चेंज कर देते हैं ताकि कुछ वाज़े हमें मालूम हो। फिर जाके मैंने आर्ट बैक स्पेस किया इसको फिल करने के लिए, तो देखें इसका फैदर अब कितना आया। तो अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो उसके साथ साथ ही हम इसका फैदर चेंज करते जाएंगे, राइट क्लिक करके हम साथ ही उसका फैदर चेंज कर सकते हैं। जैसे राइट क्लिक किया, फैदर पे गए और जितना आप फैदर चाहते हैं उतना फैदर उसे यूज़ करते हैं। अब मैं सब कुछ इसे डिलीट करता हूँ, वापस जाता हूँ, आपको एक और चीज़ बताते हैं। अच्छा जी, हमने अगर ऐसे किया जी हम एक इस तरह का राउंड लिया, अच्छा उसको मैंने फिल कर दिया जी आर्ट, अच्छा इसमें हम लेते हैं जी पहले फैदर लेता हूँ, इसमें फैदर लेते हैं जी हम 40 आया। और आर्ट बैक स्पेस से मैंने इसको फिल किया, इसमें हल्का सा
ग्रीन कलर का जो है फैदर फैदर इसको लग गया। अब इसी पे राइट क्लिक करें और इसके जाएं आप जी सिलेक्ट इनवर्स। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट इनवर्स करेंगे तो आपका ये वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। अब ये तो सिलेक्ट हो चुका है, अब सिलेक्ट ये साइडों वाला है हमने, अब इसे इसे इनवर्स करके इसे सिलेक्ट कर दिया। अब इसको भी हम एक कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल बैक से पेज किया तो इसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। तो देखिए इसमें थोड़ा हट के चीज़ है, कंट्रोल डी करके चलो मैं इसकी डी सिलेक्ट करता हूँ तो सिलेक्शन ये देखिए बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें बन जाती हैं। ये इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस 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 जितनी हो सकती है आप प्रैक्टिस करें ताकि आपके काम में निखार आए। अच्छा अब हमारा एक काम आखिरी रह गया कि हम जो इस पर इमेजेस कैसे लेके आते हैं, जो हम इमेज, क्योंकि हम इमेज के अलावा अगर काम करेंगे किसी बैनर बनाएंगे तो उसके लिए हमें लाजमी है डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम कितना उसकी स्पेस पे काम कर रहे हैं, कितना हमें वेट हाइट चाहिए। तो लाजमी हमें उतनी ही जो अपना प्रीसेट्स है उसको हमें फाइनल करना पड़ेगा कि 100x100, 1000x1000, 1000x500। तो लेकिन अगर इमेज लेंगे तो उसके लिए हमें किसी साइज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इमेज पे ही चेंजिंग करेंगे। उसके जो है दो तरीके, जो इमेज ये है मेरे पास एक, उसको अगर मैं चाहूँ इधर ड्रैग करके फोटोशॉप पे ले आऊँ, अगर मैं यहाँ पे आकर ड्रैग करूँ तो इसी के ऊपर आके वो एडजस्ट हो जाएगा। इंटर करूँगा इसी के ऊपर, अब मुझे इसके ऊपर नहीं चाहिए, मुझे एक अलग उसके प्रीसेट में चाहिए। तो उसका हल ये है कि हम ये करेंगे, तो उस पर जाएंगे अपनी इमेज पे फोटोशॉप में, उसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे आके हम ड्रैग करेंगे तो एक नई प्रीसेट्स में आके खुल जाएगा। और उसका एक और तरीका, कंट्रोल जी करता हूँ आप सॉरी कंट्रोल इसको बंद करते हैं, फाइल में जाता हूँ, ओपन में जाता हूँ, और ये जैसे ही है अगर इसको डबल क्लिक करें तो आपकी एक नई प्रीसेट खुल के आ जाएगी। अब इस चलो इस पिक्चर पे भी हम वो दोनों चीज़ें इकट्ठी करके देखते हैं कि पिक्चर में क्या लगता है। मैंने पिक्चर पे जी ऐसे ही इसका राउंड स्क्रीन बनाया, ठीक है, इसको हमने फैदर दिया जी 40 ही बड़ा नहीं ज़्यादा हम देते हैं, क्योंकि हमारे पास कलर जो है वो इस किस्म के हैं डार्क डार्क कलर। इस पर चलते हैं जी 100 और जी 8 बैकस्पेस, देखें जी बिल्कुल वो जो फैदर हो गया। अगर अभी इसको अगर हम ज़्यादा करें तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ इसका, हम बल्कि मैं इसको कलर ही हम चेंज कर देते हैं, ये वाले हमने फैदर दिया इसका जी 100 और जी इसका जी कलर दिया हमने कंट्रोल वाइट वाइट, हल्का वाइट वाइट सा हो गया। उसके बाद हम गए पे सिलेक्ट इनवर्स पे ताकि हमारा ये एरिया भी सिलेक्ट हो जाए, हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया। इसको अब हम कर देते हैं ब्लैक, आर्ट बैक स्पेस ब्लैक। हमारी ये थोड़ी अजीब सी चीज़ बन गई, इनकी प्यारी है, अगर आप इनमें रंग और डालें कुछ ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी इजीली इसे बना सकते हैं। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस, जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं छोटी मोटी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आता है, वरना कुछ नहीं। ऐसे देखते रहेंगे तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतनी ही आपके काम में निखार लाएगी। तो आज हमने सिर्फ दो टूल्स ही पढ़े हैं, इन दो टूल्स के बारे में। तो जी ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निकाल।